मैं निरंजन व्यास निर्भयधारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे फलोदी की कुछ खास खबरें। उससे पहले हम आपको बताएंगे किले के श्राप का रहस्य। फलोदी किला श्रापित है अथवा नहीं, जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते तब तक हम सच्चाई सामने नहीं ला सकते थे। सच्चाई सामने यह है कि फलोदी के कुछ लोग जिनका रिश्ता किले से पहले पुरातन से रहा है, उन लोगों का मानना है कि किला श्रापित है और इसको श्राप लगा हुआ है। किले का जब पहली बार बनना शुरू हुआ तब किला पूर्ण नहीं हो सकता था, क्योंकि दिन में तो किला बनता था, रात में किला गिर जाता था। किले की निर्माणाधीन दीवारों का गिरना यह पहला मामला नहीं है। इसी जगह इसी दीवार का कार्य पहले भी हो चुका है, यह 3-4 बार गिर चुकी हैं। यह श्राप का असर है अथवा नदी की जगह होने से नीचे दलदल भूजल के कारण भी हो सकता है, लेकिन किले के आस पड़ोस के रहवासी लोग अब भी मानते हैं कि यह श्राप से गिरी है दीवार। फलोदी किले की गाथा कई सालों पुरानी है। सन 1545 राव सुजा के पोते राव हमीर ने पोखरे से यहाँ आकर ऐतिहासिक किले का निर्माण करवाया था। ग्रामीणों द्वारा अपने पूर्वजों से सुनी गई बातों के अनुसार बताते हैं कि किला श्रापित था। जब किले का निर्माण हो रहा था तो दिन में किला बनता था और रात में वही किला गिर जाता था। इसी प्रकार क्रम चलने के कारण किले का कार्य रुकवा दिया गया। जैसलमेर से पंडित को बुलाकर उसके द्वारा जो विधि बताई गई उस अनुसार विधि की गई, तब जाकर किले का निर्माण शुरू हो सका। कई बुजुर्ग ग्रामीण का मानना है कि जहां यह दीवार गिरी है वहां पर किले की बावड़ी थी, साथ ही किले का गुप्त द्वार भी वहीं था जहां से किले पर हमला होने या असुरक्षित होने पर राजा और उसके परिवार द्वारा गुप्त द्वार के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर सकते थे। सभी के द्वारा बताए गए प्रमाण मौखिक हैं। कहीं शिलालेखों का उल्लेख भी करके भी हमें बताया गया, लेकिन शिलालेख स्पष्ट नहीं है। पुरानी लिपि में होने के कारण पढ़ना और समझना भी मुश्किल है। पुरातत्व विभाग द्वारा जीर्णोद्वार कार्य किया जा रहा है। जीर्णोद्वार साई कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ठेके से किया जा रहा है। इस कंपनी के ठेकेदार द्वारा फलोदी किले में कार्य करने के लिए सुपरवाइजर मेघराज ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा कई बार उसे श्राप की बात बताई है, और जब उन्होंने यहाँ किले में कार्य करना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहले वहाँ पर पूजा की और उस स्थान पर प्रसाद चढ़ाकर ही कार्य किया प्रारंभ। किले का निर्माण कर रहे हैं, मतलब पुनर्जीर्णोद्वार कर रहे हैं, तो आपको कहीं किसी ग्रामीण से बात में ऐसा लगा कि ये किला श्रापित है? ग्रामीण बताते हैं कि जो ये झंडे वाला बुर्ज है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें दो लोगों की जिंदा बलि दी हुई है जब ये किले का काम चला था उस टाइम। अब जो अभी मैं बाज़ार में जाता हूँ चाय वाय पीने या कोई सामान लेने, कुछ लोग मिलते हैं क्या काम करते हो तो वो बताते हैं कि भाई ये किले में श्रापित है, और ख़ास करके जो पीछे एक बुर्ज कल गिरी है वो तो हम तो मानते हैं फिर नीचे दलदल और भूकंप की वजह से, लेकिन लोग कहते हैं कि पहले भी ये दो बार बुर्ज गिर चुका और इस बुर्ज का निर्माण कार्य कभी संपन्न नहीं हो रहा है। एक तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम अम्बालाल जोशी है। अच्छा। पिताजी के नाम दसराज जी जोशी। आपका इस किले से क्या जुड़ाव है, क्या आपका इस किले से जुड़ाव है और कैसा आपका इस किले के बारे में कहना है? देखो साहब, ये किला करीबन 600 साल होने को आए बने को, मगर ये हमारे पूर्वजों से सुनते हैं कि ये किला जब बनाया था तो दो बार गिर गया था, 2-3 बार बनने के बाद में गिर गया था। फिर जांच की गई तो ये सत्य घटना है बिल्कुल। तो फिर हमारे पूर्वज थे खेताजी बग्गाजी जोशी, हम बग्गे जी को औलाद हैं खेताजी बग्गे जी की, और दरबार की तरफ से हमें खिली और बग्गा भी गांव दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ जो नथमल भरलाल टावरी है, फोर्ट व्यू होटल है, इसकी आगे एक शिलालेख यहाँ भी है, और यहाँ पे एक कहते हैं कि भाई एक वेश्या को और एक नगाची को और एक बिच्छू को जीवित समाधि दी थी, जीवित चिनाई की थी इसमें,
तो जोशी जी ने बताया था कि भाई ये करेंगे तो ये किला मजबूत रहेगा, फिर गिरेगा नहीं। अब लोग उसको चाहे भले अंधविश्वास मानने कुछ, मगर ये तो बिल्कुल सत्य घटना है कि उनको जिंदा चुन दिया, तो उसके बाद में ये किला गिरा भी नहीं। अब किले को काफी साल हो गए, बारिश का मौसम है, कोई सार संभाल है नहीं, तो वो गिरने वाला ही है, गिर गया। गवर्नमेंट इसको तैयार भी करा रही है, करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, मगर ये जो शुरू किया है उन्होंने नीचे से, तो किसी तिवारी जोशी को बुलाना जरूरी था, क्योंकि उनकी वंशज अभी तक है ना गांव में, तो पूजा वगैरह करवा के। और उसको ये जो आप जो घटना बता रहे हैं इसका उल्लेख है कहीं? हाँ, उल्लेख है ना, आप किले के अंदर जाओ, मेन गेट पे। अभी हम आपके साथ में किले में ही खड़े हैं। हाँ, तो कहीं किले में इसका ऐसा कोई शिलालेख वगैरह या है ऐसा ना, कुछ बिल्कुल है? बिल्कुल मेन दरवाजे पोल पे ही है, ये लिखा हुआ ये है ना, देखो आप। अब ये जो भाषा समझ दे उसे आप बुला के बनवा सकते हैं, ये हमारे बटेरों का शिलालेख है और भी है अंदर। तो मेरा जहां ख्याल है ये जो है ये हमारे बटेरों का ही है, उन्होंने जो पूजा करवा के लिखा था, तो दरबार ने ये हमारा यहाँ शिलालेख भी लगाया था और अंदर भी लगे हुए हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो काम शुरू करने से पहले कोई तिवारी जोशी पंडित को बुलाना था, पूजा करवा के उसको फिर उठाना। जैसलमेर हूँ। ये किले का निर्माण जब हो रहा था उस समय से बग्गो जी लाया था, लेकिन बड़ा निर्माण हो तो दुर्जा हो, दुड़ता वगैरह बाद में मतलब रात रहता दुड़ता हूँ तो दिन रफड़ा होता है पथे वगैरह निर्माण करियो। बुलाया बग्गो जी ने जैसलमेर हूँ, जैसलमेर हूँ बुलाया था, वो कहो कि ये तरह जो टीपनो बीजो कि ये तरह बत्ती हम गए है जाना हो गए नो, एक तो ढोलन नो जागरी नो दो ने कुछ गाली है ये पुल इधर पा ये हजोम बागीरनाथ मंदिर कौन कौन यहाँ है भुजियो बनोड़ो वगैरह नीचे जब जा दें हैं जागरी डोली उठे आए जा दें वो जगह का डोड़ो। तो पूर्व में ए दंत कथा कौन है सही है? सही है, आ सही है दंत कथा भी जी कौन है मोरा बलेरो लेख देवड़ो कलर मत है आर मोनो जो ही अंतवाड़ी ने जमी देवड़ी है जति बो मतलब पौर होनी चाहिए जति बो मोनो जमी देवड़ी है राजा टेमरी मेरा जो छी तिवारी। विदेशी मेहमान प्रवासी पक्षी कुर्दा के संरक्षण व उसकी चिकित्सा को लेकर पावर ग्रिड कंपनी द्वारा फलोदी प्रशासन को एक एम्बुलेंस की गई भेंट। एम्बुलेंस भेंट करने से पहले फलोदी के पंचायत समिति सभागृह में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि माइक पांडे के हाथों एम्बुलेंस सरपंच किचन प्रतिनिधि को की गई भेंट। पक्षियों के लिए पावर ग्रिड कंपनी द्वारा यह पहली एम्बुलेंस है जो पक्षी एम्बुलेंस के नाम से जानी जाएगी। कुर्जा पक्षी डॉग बाइट व विद्युत तारों की चपेट में आने से घायल होते पर रेस्क्यू सेंटर ले जाने में होगी आसानी। पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार माइक पांडे के माध्यम से ग्राम पंचायत किचन कुर्दा विलेज को पक्षी एम्बुलेंस की गई भेंट। पंचायत समिति फलोदी परिसर में एडीएम हाकम खां, एसडीएम यशपाल आहूजा, डीवाईएसपी पारस सोनी, किचन सरपंच प्रतिनिधियों को की गई एम्बुलेंस की चाबी भेंट। सिर्फ यही है कि देखिए चिड़िया अगर 5-6 हज़ार किलोमीटर चल के आती है यहाँ पर हर वर्ष, तो क्या ये तो ऐसी एक जगह है जहाँ पर पानी भी दुर्लभ है और भोजन भी दुर्लभ है, फिर भी क्यों कुर्ज यहाँ आती है 5-6 हज़ार किलोमीटर कई एक जगह छोड़कर? क्या ये लोगों का स्नेह है या क्या कई वर्ष पहले लोगों ने जो अब ये इंजर्ड थी या मर रही थी तो उनको भोजन दिया खाने के लिए? तो ये भावना भी समझती हैं, ये ऐसी प्रजाति हैं कि इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर चिड़िया कह रही है कि किचन एक बहुत ही स्पेशल जगह है, वहीं हम जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है, तो मेरे लिए तो एक इससे ये एक हीरे के बराबर है। सर फलोदी वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बहुत खुश नसीब हैं, ऐसे ही रहिए, जीव जंतुओं का आदर करिए और ख़ासकर पेड़ जो हैं
माता पिता हैं, सब कुछ है। तीसरी बार सर आए आप यहाँ पर, आगे भी और पहले भी आते हैं। मैं छोटा सा जब बीसी में काम करता था तो उस समय मैं गया था, वो करना भील वो मूछ वाले जो गंभीरिया वगैरह करता हूँ और कैप्चर करने के लिए। तो उसके बाद मैं आता रहता हूँ सेवाराम, यहाँ 10-15 मिनट भी रुकता हूँ, पूछता हूँ कुर्ज कैसे है क्या ऐसा करते हैं।